दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पंद्रह बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पहली खबर बिहार में पछवा हवा बढ़ा रही है कनकनी आज से न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट कई जिलों में बारिश ने बढ़ाई जी चक्रवर्ती प्रभाव कम होने की वजह से बिहार के मौसम में सुधार आया है कई जिलों में धूप खिली है और दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई हालाकि एक बार फिर पछवा और उत्तर पछवा हवाओं का प्रभाव जमने ऐसी कनकनी बढ़नी शुरू हो गयी है मौसम विधो के अनुसार इसकी वजह ऐसी अगले चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान में दो ऐसी तीन डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है साथ ही उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव बढ़ने से कनकन भी बढ़ेगी अगली बड़ी खबर बिहार में फिर से डराने लगा है कोरोना राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 15 दिनों में 20 गुनी बढ़ी अब तक चौवालीस हजार तिरासी कंटेनमेंट जोन बने जी हां बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों की तेजी और संक्रमण दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है इसके कारण मात्र पन्द्रह दिनों के अंतर कंटेनमेंट जोन की संख्या में बीस गुना का इजाफा हो गया है केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए राज्य में तेजी से कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ाई गई है आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से हो रही पहचान के बीच 40 से बढ़कर आठ कंटेनमेंट जोन हो गए हैं तीस दिसंबर 21 तक राज्य में 40 कंटेनमेंट जोन थे जबकि 11 जनवरी तक इसकी संख्या बढ़कर आठ हो गई है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कोरोना की पहली दूसरी व तीसरी लहरों के दौरान अब तक कुल चौवालिस हजार तिरासी कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं हालांकि संक्रमण की रफ्तार कम होने आरोप इन्हें चिन्हित इलाकों को कंटेनमेंट जोन ऐसी मुक्त भी कर दिया जाता है अगली बड़ी खबर बिहार में कोरोना के मिले 6,541 नए मरीज पटना में सबसे ज्यादा इक्कीस सोलह संक्रमण बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,541 नए मरीज मिले हैं इनमें राजधानी पटना में सबसे ज्यादा इक्कीस सोलह कोरोना संक्रमित पाए गए अन्य जिलों की बात करे तो बेगूसराय में दो नालंदा में दो सहरसा में दो मुजफ्फरपुर में चार भागलपुर में दो दरभंगा में एक मुंगेर में दो सौ अंठानवे सारण में एक सौ बिरानवे कोरोना संक्रमित मरीजों मिले मिले फिलहाल प्रतिदिन नए संक्रमितों का आंकड़ा सात हजार के पार पहुंच चुका इसी बीच राहत वाली खबर है कि बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रतत अमृत ने बताया कि इस समय में बिहार में रिकवरी दर चौरानवे दशमलव चौंतीस प्रतिशत है निन्यानवे प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में है बिहार में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर एक और बार सीएमजी की बैठक होगी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बैठक की अध्यक्षता करेंगे अगली बड़ी खबर अब अपने घर के पास कोरोना वैक्सीन लगा सकते हैं बच्चे पटना डीएम ने दिया निर्देश जी पंद्रह से अठारह आयु वर्ग के बच्चे जो अपने स्कूल में किसी कारणवश टीका नहीं ले पाए हैं या स्कूल में टीका लेने में असुविधा हो रही है तो ऐसे बच्चे अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर टीका करा सकते प्रशासन ने बच्चों के लिए शहरी क्षेत्र में अड़तालीस टीकाकरण केंद्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी तेईस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की के व्यवस्था की है। डीएम ने सभी टीकाकरण केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिया है की बच्चों का टीकाकरण प्राथमिकता के तौर पर करे जिला अधिकारियों ने बताया की के इन केंद्रों आरोप बच्चों के अलावा प्रिकॉशनरी डोज लेने वालों को भी टीका ले सकते हैं वैसे सभी बच्चे जिनका जन्म 2007 अथवा उसके पूर्व हुआ हो उनके अभिभावक अपने बच्चों को संबंधित स्कूल अथवा निकटतम टीकाकरण केंद्र पर टीका दिलवा सकते हैं अगली बड़ी खबर देश में एक्टिव केस की संख्या तेरह लाख के पार नब्बे हजार नए मरीज मिले दिल्ली में नए केस घटे पर पॉजिटिविटी रेट इकतीस प्रतिशत पहुँचे जी हाँ देश में शुक्रवार को कुल एक्टिव केस तेरह लाख का आंकड़ा पार कर गया है शाम साढ़े छह बजे तक बीते चौबीस घंटे के दौरान नब्बे हजार नए केस मिले हैं इस दौरान छत्तीस हजार आठ सौ नब्बे लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं जबकि तिरसठ लोगों की मौत भी हो गई है अब देश में तेरह लाख उन्नीस हजार सात सौ नब्बे कुल एक्टिव केस हो चुके हैं देश में अब तक कुल तीन दशमलव छियासठ करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं जिनमें से तीन दशमलव अड़तालीस करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं अब तक चार लाख पचासी हज़ार चार सौ तेरह लोगों की मौत भी हो चुकी है बड़ी खबर बीपीएससी ने जारी किया समय सीमा सरकारी कर्मी तीन ही बार दे सकते हैं परीक्षा बीपीएससी बिहार राज्य के अंतर्गत अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न प्रशासनिक पदों के भर्ती के लिए हर साल परीक्षा आयोजित करवाता है वहीं इसमें अब बदलाव करते हुए बीपीएससी और बीएसएससी की परीक्षा में सरकारी सेवकों के शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा निर्धारित कर दी गयी बीपीएससी और बी की परीक्षाओं में कोई भी सामान्य कैंडिडेट कितनी बार भी शामिल हो सकता है लेकिन सरकारी सेवकों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए समय तय कर दी गई है बता दें कि अधिकतम सीमा तीन बार तय की गई है मतलब कोई भी सरकारी सेवक तीन बार से ज्यादा इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं वही सामान्य अभ्यर्थी के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित उम्र सीमा पहले से की तरह लागू रहेगी इस मामले में संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अलावा डीजी जी आयुक्त डी एम तकनीकी सेवा आयोग बी समेत अन्य सभी महकमो को जारी कर दिया है अगली बड़ी खबर बिहार में 103 निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए मिली मंजूरी पटना के 90 हॉस्पिटल बिहार में बेकाबू हो रहे कोरोना की तीसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है प्रदेश में हर एक दिन बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीजों की पहचान हो रही है जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंताजनक है इस क्रम में बिहार में एक निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए मंजूरी दी गयी है अगली बड़ी खबर राज्य में अब 27 फरवरी को होगा पल्स पोलियो अभियान केंद्र सरकार ने इस वजह से लिया फैसला जी आ, केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तिथि 23 जनवरी से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दी है और पूर्व निर्धारित तिथि की जानकारी सभी राज्यों को भेज दी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर वीणा धवन ने पत्र जारी करके कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तिथि को पुनर्निर्धारित की गई है अगली बड़ी खबर 17 जनवरी से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होगी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अफसरों से की बात बोले कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी जी हाँ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण के बचे हुए नियोजन की कार्रवाई पारदर्शी तरीके से घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाए उन्होंने यह निर्देश नियोजन कार्य से जुड़े बड़े अधिकारियों को दी है मताधिक आठ हजार पाँच सौ से ज्यादा नियोजन इकाइयों में नियोजन की कार्रवाई होनी थी जिसमें से अब तक बारह सौ में नियोजन बच गया है सत्रह जनवरी से बचे हुए निकायों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह प्रक्रिया पिछले दो वर्षों से अधिक समय से विभिन्न भी कारणों से लंबित चली आ रही है कई बार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कारण बाधित रही उन्होंने कहा कि आ प्रक्रिया शुरू की जानी है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सजग है कि राज्य भर के योग्य अभ्यर्थी बेसब्री इस प्रक्रिया के पूरा होने और नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार कर रहे हैं अगली बड़ी खबर बिहार के सरकारी शिक्षकों को मिला नया टास्क शिक्षक अब गांव गांव जाकर बच्चों को देंगे मार्गदर्शन कोरोना काल में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को नया टास्क मिला है बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा की कोरोना काल में विद्यालय बंद है बच्चों के पठन पाठन के निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार एवं अनुवर्तित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना डी बिहार के तरफ से कक्षा छह से लेकर आठ तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रसारण का आरम्भ किया जा रहा है इसकी शुरुआत सत्रह जनवरी से होगी इसके अतिरिक्त बच्चों के ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए दो बड़े प्रयास किए जा जाए डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता वाले विद्यार्थियों के लिए ई डॉट पर उपलब्ध कक्षा बारह तक की पुस्तकें एवं एक कंटेंट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं कक्षा एक से पाँच तक के जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस की सुविधा नहीं है उनके लिए प्रधान अध्यापक विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को गृह आधारित शिक्षण के लिए टोला भ्रमण कर मार्गदर्शन करेंगे अगली बड़ी खबर भाजपा के दिक्कत बढ़ाएंगे सन मल्ला यूपी में एक सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया जी बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में भाजपा की दिक्कत बढ़ा सकते हैं उन्होंने है। एक बार फिर से ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में एक सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाई ऐसी बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा की एनडीए डी उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ बिहार में है उन्होंने कहा वह भी बिहार में सड़क में सहयोगी है हम भी सहयोगी है मेरे कहने से वह यूपी में चुनाव लड़ना नहीं छोड़ सकते हैं उनके कहने से मैं क्यों न लड़ूँ यदि वह निषाद समाज को आरक्षण का ऐलान कर देते हैं तो मैं अपना फैसला जरूर वापस ले सकता हूँ अगली बड़ी खबर बिहार के मैट्रिक इंटर परीक्षा ध्यान दे एडमिट कार्ड में त्रुटि तो सेंटर पर आधार कार्ड से होगी बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं इस समय पर होंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के मानसा को साफ कर दिया है उन्होंने कहा कि एक फरवरी से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा मास्क सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य गाइडलाइन का पालन सभी परीक्षार्थी और को करना आप होगा आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी गई है अगर किसी छात्र के एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है उसके नाम के लेटर में बदलाव हो या फिर पहचान से संबंधित अन्य तुटिया है तो उसके विकल्प के रूप में आधार कार्ड पैन कार्ड या पासपोर्ट के सारे परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं अगली बड़ी खबर अगर आप बारहवीं पास है तो बिहार सरकार की इस स्कीम से हर महीने घर बैठे मिलेंगे एक हजार रूपए जाने कैसे जी हां बिहार में ऐसे कई युवा के जिन्हें किसी कारण से बारहवीं की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है अगर आप भी बारहवीं पास कर चुके हैं और बेरोजगार है तो आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिल सकता है इसके तहत आपको घर बैठे हर महीने एक हजार रूपए मिले बिहार सरकार के इस स्कीम का लाभ उठाने के इच्छुक अभ्यार्थियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा इसके तहत अभ्यर्थी को सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बारहवीं पास होने के साथ ही बिहार का मूल निवासी होना चाहिए अभ्यर्थी की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए वही उम्मीदवार ने किसी भी तरह का उच्चतर शिक्षा नहीं ग्रहण की हो इसके अलावा अभ्यर्थी को किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए इस योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सात निश्चय युवा यूपी मिशन डॉट बिहार डॉट में अब मुखिया पति और सरपंच पति की अब नहीं चलेगी धौस विभाग का आदेश महिला जन प्रतिनिधि खुद होगी बैठक में शामिल रिश्तेदारों की एंट्री पंचायती राज विभाग ने बैठक या अन्य कार्यों में महिला जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है उनकी जगह पर अब पति पुत्र या रिश्तेदार के काम के मामलों में विभाग ने सख्त रूप अपनाने के संकेत दे दी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है निर्देश के मुताबिक कोई भी महिला जनप्रतिनिधि अब बैठक तथा अन्य तरह के काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि अधिकृत नहीं करे उन्होंने पदाधिकारियों को अपने आदेश कर कड़ाई ऐसी पालन करने का निर्देश दिया है मंत्री का कहना है की इसको लेकर पिछले कार्यकाल में लगातार शिकायतें मिल रहे थे और इसलिए अब कार्यकाल शुरू होने के साथ ही ये निर्देश जारी कर दिए गया है। बिहार में पहले बार 18 निजी संस्थानों को मिले डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालन की अनुमति जी स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार निजी क्षेत्र के 18 फार्मेसी संस्थानों को डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालन की अनुमति दी है स्वास्थ्य विभाग का नपति पत्र प्राप्त होने के बाद सभी 18 संस्थानों को मिलाकर डिप्लोमा इन फार्मेसी के 1080 और डिग्री फार्मेसी के 1140 सीटों पर नामांकन हो सकेगा बता दें कि डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स दो वर्ष का होता है जबकि डिग्री फार्मेसी का कोर्स चार वर्ष का होता है जिन संस्थानों में यह नामांकन होगा उसमें मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सुबान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन पश्चिमी चंपारण रामेश्वर सिंह फार्मेसी कॉलेज गया राम प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गया राजीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीतामढ़ी डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिवान साई बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेटिकल साइंस मुजफ्फरपुर गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस नवादा को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है आज के लिए आपका सवाल बताया कि बढ़ते हुए कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार सरकार को बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।